पर्यावरणीय अध्ययन में एक महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आए हैं जहाँ से आपके परीक्षा में हर बार प्रश्न आता है और आपके पाठ्यक्रम में है, आपके सिलेबस में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आज की क्लास की थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी पढ़ने के बाद इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जहाँ से आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों की थ्योरी भी हम लोग पढ़ते रहेंगे। मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो टॉपिक के साथ साथ हमारा जो MCQ प्रश्न बैंक सीरीज है वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आज के जो टॉपिक है हम उसी पर चर्चा कर लेते हैं। उस टॉपिक का नाम है वायुमंडल। क्या नाम है? वायुमंडल। एक प्रश्न आता है, यही हमारा टॉपिक है, इसी को हम लोग को आज पढ़ना है। इसके बारे में जान लेते हैं। मतलब पृथ्वी के चारों ओर वायु की जो परत फैली हुई है इसी को हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल कैसे रुका हुआ है पृथ्वी के चारों तरफ? गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से। अगर गुरुत्वाकर्षण शक्ति ना होता, ध्यान रहे, अगर गुरुत्वाकर्षण शक्ति ना होता तो जो पृथ्वी पर वायुमंडल है चारों तरफ लिपटा हुआ वो ना होता। आगे देखते हैं, कंपोजिशन कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर, माने वायुमंडल के संगठन में बहुत सारी गैसें हैं जिसमें दो गैसों को मिला दिया जाए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को, तो 99% गैस हो जाती है। फिर 78.8% आपकी नाइट्रोजन है, 21% लगभग ऑक्सीजन है। फिर उसके बाद आर्गन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, क्रिप्टॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, ज़ेनॉन, ये सारी गैसें इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन आज जो हम लोग को पढ़ना है वो वायुमंडल की जो स्तरी है। तो सबसे पहला मंडल देखिए यहाँ पे कट गया है, नोट्स के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। जी हाँ, जितने भी वीडियो को देख रहे हैं पहला काम वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे और नोट्स के लिए कॉपी कलम लेकर बैठेंगे। ये ऐतिहासिक क्लास होगी आपके लिए। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना है आप लोग को। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो वायुमंडल की स्तरीकरण, माने हम लोग पहला जो वायुमंडल पढ़ेंगे, पहला मंडल जो पढ़ेंगे वो आपका क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये हमारे चार मंडल हैं। इनमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्षोभ मंडल। इस क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्तन मंडल के नाम से इसे जानते हैं, जो आपके परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। इसे ही ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लिखना चाहे लिख लीजिएगा, इसे हम ट्रोपोस्फीयर के नाम से जानते हैं। अगर इसकी हाइट देखा जाए तो लगभग ये 18 किलोमीटर है, लेकिन अगर हम पूरे ग्लोब पर इसके बारे में देखें, जैसे हमारी पृथ्वी हो गई, तो ये कुछ इस तरह से है। मतलब भूमध्य रेखा की अगर हम बात करें 0 डिग्री पर, अगर हम 0 डिग्री की बात करें तो यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो ज़्यादा है और ध्रुव पर इसकी लंबाई क्या है, ऊंचाई जो है कम है। तो ये ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल, इसे हम परिवर्तन मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्तन मंडल कहते हैं। आइए क्यों कहते हैं आइए जानते हैं। माने वायुमंडल की सबसे जो निचली परत है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम किस नाम से जानते हैं? हम उसे क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। और इसका नामकरण किसने किया था? टीजरेंज ने किया था। किसने किया था? टीजरेंज ने, ठीक है, किसने? टीजरेंज ने किया था। माने मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं घटती हैं, चाहे वो ओला पड़ना हो, बादल गिरना हो, बारिश हो, कोहरा हो, मेघ गर्जन माने बादल गरजना, तूफान आना, बिजली चमकना, माने मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं घटती हैं वे सभी क्षोभ मंडल में घटती हैं। ये पृथ्वी के सबसे पास का मंडल है। कहाँ है? पृथ्वी के सबसे पास का मंडल है। एकदम ऐसी सीरीज है कि इसके पढ़ने के बाद जब भी परीक्षा हॉल में जाएंगे आपको यहाँ से प्रश्न जरूर मिलेगा, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारा। इसके बारे में जानते हैं, इस मंडल की सबसे बड़ी खासियत क्या है? इस मंडल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ज्यों ज्यों हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं, ज्यों ज्यों हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं, हाइट में जाते हैं, त्यों त्यों जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कम होता जाता है। याद रखिएगा, ज्यों ज्यों हम हाइट पर ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है, ठीक है, कम होता जाता है, ठीक। आइए इसके बारे में और अच्छे से जानते हैं। एक चीजें देखेंगे, कितने पर कितना, यहां पर जब हम 165 मीटर, ध्यान से लिख लीजिएगा, नोट्स बना रहे हो, अगर 165 मीटर अगर हम ऊपर जाते हैं इसका परिणाम क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे आता है। इसको लिख लीजिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हो। लेकिन एक निवेदन है, सबसे पहला काम वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा। आज की क्लास आपके जीवन की एक यादगार ऐतिहासिक क्लास होगी। जी हाँ, नोट्स के माध्यम से हम आपको पढ़ा रहे हैं ताकि नोट्स पढ़ने में कुछ लोगों ने नोट्स लिया हुआ है तो उन्हें दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पर 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है ऊंचाई पर बढ़ने के साथ साथ। मतलब अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, 1 किलोमीटर अगर हम ऊंचाई पर जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, याद रखिएगा। और इसकी जो औसत ऊंचाई है उसे हम क्या कहते हैं, लगभग 13 किलोमीटर है। क्यों 13 किलोमीटर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर
ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है, भूमध्य रेखा पर इसकी 18 किलोमीटर है, इसकी जो औसत ऊंचाई अगर है तो 13 किलोमीटर है। कितनी है? 13 किलोमीटर। क्या क्या चीज़ें समझ में आई? ध्यान समझिएगा, क्षोभ मंडल भूमध्य रेखा पर ज़्यादा ऊंचा है, 18 किलोमीटर है। वहीं अगर हम बात करें ध्रुवों पर, इसकी मोटाई 8 किलोमीटर है। आगे ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न आता है आपके परीक्षा में कि जहाँ से क्षोभ मंडल और अगला समताप मंडल आपस में अलग अलग होते हैं उसे हम क्षोभ सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा या ट्रोपोपास के नाम से जानते हैं। क्या आप लोग को समझ में आ गया? अगर आ गया हो तो जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। यह वीडियो फेसबुक पेज, यूट्यूब और ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप पर निःशुल्क लाइव चल रहा है, ठीक है? ध्यान से एकदम पढ़िएगा। स्क्रीनशॉट हो गई, ये हो गया क्षोभ मंडल। इसके बाद हम जब प्रश्न इसके हल करेंगे तो यहाँ से जान लेंगे कि एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद का जो मंडल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इरेज करने जा रहा हूँ। इसके बाद का जो मंडल है उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम समताप मंडल कहते हैं। कौन सा मंडल? समताप मंडल के नाम से जानते हैं, मतलब इसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। इसे स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। अगर इसकी मोटाई की बात करें तो जहां से ये खत्म होता है, ये 18 खत्म होता है, तो ये मान लेते हैं, यह देख रहे हैं 50 किलोमीटर है, ये 18 से 50 किलोमीटर तक है। ये एक बात समझ में आ गई। अब यहां से ध्यान देना, इसकी मोटाई क्लियर होगी। ये क्षोभ मंडल के बाद का मंडल है, माने क्षोभ मंडल के बाद जो अगला मंडल है आपका, ये कौन सा? समताप मंडल। ये मध्य मंडल है, माने मध्य मंडल के नीचे और क्षोभ मंडल के ऊपर का जो मंडल है उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम समताप मंडल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं नहीं घटती, याद रहे, इस मंडल में मौसम संबंधित घटनाएं नहीं घटती। जिसको साफ न दिख रहा हो, तीन डॉट बिंदु पर क्लिक करके वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ले, वीडियो पूरी तरह से आपको HD में मिलेगा। या शेयर कर दीजिए जल्दी से लोगों को, नहीं छूट जाएगा तो फिर बाद में कोई मजा नहीं आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है? चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर हमने देखा, ये हो गया आपका। अब याद रहे कि यहाँ पर अगर मौसम संबंधित घटनाएं नहीं घटती, जिसके कारण इस मंडल में, ध्यान रहे, जिसके कारण इस मंडल में वायुयान उड़ता है, जेट यान उड़ता है, और इसी मंडल के अंतर्गत, ध्यान रहे, इसी मंडल के अंतर्गत 20 से लेकर 35 किलोमीटर, माने 20 से लेकर 35 किलोमीटर तक कौन सा मंडल पाया जाता है? ओजोन परत पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ओजोन परत पाया जाता है। रट लीजिए साथियों, इस देश के, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो ये टॉपिक आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे ओजोन परत। आइए पढ़ लेते हैं ओजोन परत क्या है। तो अगली हेडिंग बनाइएगा अपने कॉपी में, ओजोन परत। वैसे ओजोन परत के बारे में मैं यहाँ पे छोटी बातें हैं, लेकिन और आगे अच्छे से मैं बता दे रहा हूँ, आराम से एकदम पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए हमारी हेडिंग जो होगी वो है ओजोन परत। जल्दी से हेडिंग बना लीजिएगा आप लोग। आइए इस हेडिंग पर हम लोग अब काम करते हैं। अब देखिए ओजोन परत के बारे में जानते हैं, ओजोन लेयर के बारे में जानते हैं, सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा। देखिए समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन परत ये क्या करती है? परावैज्ञानिक से हमारी रक्षा करती है। ये ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स हैं, आज ए गेस्ट के रूप में मैं निःशुल्क आपको पढ़ा रहा हूँ, एकदम इंपॉर्टेंट पढ़िएगा। समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन परत परावैज्ञानिक किरणों से हमारी रक्षा करती हैं। वैश्विक तापमान, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के चलते इसमें लगातार क्षरण होता रहता है ग्रीन हाउस गैसों के चलते। अगला ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओजोन परत संरक्षण की बात मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में की गई थी, लेकिन ये लागू जो होता है आगे चल के देखेंगे, ये 2 साल बाद लागू होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? किसी के मन में कोई सवाल नहीं है? देखिए ये O2 जो होता है, ये O2 को तोड़ता है अल्ट्रावायलेट रेज, तोड़कर O1 के में बना देता है, लेकिन जो ओजोन होता है, ओजोन गैस O1 प्लस O2 को मिलाकर O3 होता है, ये ओजोन गैस का फॉर्मूला है। जी हम रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये सिलेक्शन में बहुत ही मददगार होगा। यहाँ से एक टॉपिक आके परीक्षा में जरूर आता है, क्योंकि हम पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम आपको सिलेबस के आधार पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है? चलते हैं और आगे देखते हैं, हम स्क्रीनशॉट शायद कर लें। अब हमने ये देखा कि जो अल्ट्रावायलेट, ये जो ओजोन है, इससे क्या क्या चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। देखिए ओजोन गैस है, ये O3 है, ओजोन क्या है? गैस है, एक बात क्लियर होगी। अब ओजोन जो परत है,
इसके बारे में जान लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। देखिए नोट्स के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा, घर बैठे आपको नोट्स मिल जाएगा, ऑनलाइन क्लासेज मिल जाएंगी। मेरी क्लास निःशुल्क है, देशहित में, राष्ट्रहित में है, ये जौनपुर से चल रही, जौनपुर वाले जरूर शेयर करिएगा, चाहे जिस जिले में, वैसे कोई बात नहीं। देखिए ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में। एक प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है कि ओजोन जो परत है कहाँ पाया जाता है, तो ये समताप मंडल में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 20 से 30 है, कहीं 20 से 32 दे देता है, कहीं 20 से 35 दे देता है, अलग अलग किताबों में अलग अलग देता है। ये करता क्या है, ये अल्ट्रा वायलेट रे मैंने सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है, पराबैंगनी किरणें, उन्हें हमें बचाता है। और इसमें सबसे खतरनाक जो होती है सी और बी होती है। इन सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या होंगी, सी सबसे ज़्यादा खतरनाक, सी और बी होती है अल्ट्रा वायलेट रे, मैंने सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उन्हें अवशोषित कर लेती है। ठीक, आगे अगर किससे बचाती हैं, या आप लोगों की संख्या बहुत कम है यार, पढ़ाने में कोई कमी है क्या, इससे बेहतर अगर पूरे YouTube पर कोई पढ़ा दे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहले मैं थियरी पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं प्रश्न बैंक सॉल्व कराऊंगा। एक भी प्रश्न अगर आपका परीक्षा में गलत हो जाए फिर चैनल को छोड़ के चले जाइएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपका केवल सिलेक्शन है और उसी के लिए हम पढ़ा रहे हैं निःशुल्क, अपने बचे हुए समय में आपके लिए बेहतर करने के लिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इससे त्वचा कैंसर होता है। मतलब अगर अल्ट्रावायलेट रेज ना रुके, ठीक है, चेहरा बदलिए, वेस्टर्न के लग रहे हैं, चलिए ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा त्वचा कैंसर, जीन उत्परिवर्तन, मोतियाबिंद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, यहाँ से सवाल आपकी परीक्षा में जरूर आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अरे यार फास्ट कहाँ से पढ़ाएंगे, पहले सिलेक्शन जो लेना है। अब देखिए ये मोती, अब यहाँ से क्या होता है, ओजोन गैस क्षरण कैसे होता है, सीएफसी से, याद रहे सीएफसी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका फुल फॉर्म क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक नंबर आपकी परीक्षा में फिक्स पूछे जाते हैं। आगे ओजोन क्षरण का कारण क्या है, सीएफसी गैस निकलती कहाँ कहाँ से है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट करके बताइएगा, जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर। आगे ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, रट लीजिएगा। प्रत्येक वर्ष ओजोन जो क्षरण है उसके लिए, ओजोन क्षरण के लिए क्या मनाया जाता है, 16 सितंबर को। ओजोन की मापने की इकाई डॉप्सन है। ये वो नोट्स है जो इलेनी विद दुर्गेश पे, जहां से आपको सिलेक्शन मिलता है, माने डॉप्सन है, ठीक है, डॉप्सन। लेकिन ध्वनि की मापने की इकाई क्या है, ध्वनि की, तो ध्वनि की क्या है, डेसीबल है। कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैंने दोनों बता दिया, डेसीबल भी जानते थे, डॉप्सन। तो ओजोन की जो परत की मापने की जो इकाई है, ठीक है, जो ओजोन मापने की जो इकाई है वो क्या है, डॉप्सन है। इंपॉर्टेंट, एकदम रट लीजिएगा। आगे देखते हैं कि ओजोन में जिले ओजोन छिद्र है, इसके बारे में ये जानते हैं। ये सबसे ज्यादा बड़ा छिद्र अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर, सबसे बड़ा। यहां पर हमने देखा कि जो सबसे बड़ा छिद्र है कहां पे, अंटार्कटिका के ऊपर है। ईबीएस पढ़ा हुआ जी, हाँ, पर्यावरणी शिक्षा, ठीक है, इसमें देख लीजिएगा। हाँ, अब यहाँ देखिए, ये ब्रिटिश की टीम द्वारा 1985 में, माने फोरमैन, किसके द्वारा, फोरमैन के द्वारा, किसके द्वारा, फोरमैन के द्वारा। मेट्रल प्रोटोकॉल कब होता है, 1987 से। तो यहाँ पर हमने देखा कि ओजोन से रिलेटेड जितने भी टॉप क्लास के प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं उनको मैंने पढ़ा दिया। इसे अम्ब्रेला ऑफ द अर्थ कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, अम्ब्रेला ऑफ द अर्थ, इसे पृथ्वी की छतरी के नाम से जानते हैं। मतलब ये ऐसे टॉपिक हैं मेरे प्यारे साथियों। ओजोन परत पतला हो रहा है, देखिए प्रश्न बैंक में सब करा दूंगा, मैं आगे चलता हूं। देखिए आप लोग जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहला काम ई-लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे आपको सब मिल जाएगा। और टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर, जो अभी तक नहीं जुड़े हैं। देखिए ओजोन छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर होने के कारण, अब जैसे प्रश्न आपके मन में आएगा कि सर अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र क्यों है, तो वायु परिसंचरण प्रणाली एक तैयार, क्लोरीन परिकल्पना ये भी पॉइंट, समताप मंडली मेघ परिकल्पना ये भी पॉइंट, सौर कलंक का प्रभाव ये भी महत्वपूर्ण, ध्रुवी वाताग्र ये भी, माने ये ऐसे पांच बिंदु हैं जिनके कारण जो अंटार्कटिका महाद्वीप पर ओजोन परत सबसे ज्यादा छिद्र है अंटार्कटिका महाद्वीप पर, अंटार्कटिका के ऊपर, महाद्वीप का अटलांटिक है अंटार्कटिका के ऊपर, ठीक है। अब देखते हैं सूर्य का प्रकाश किस तरह इसको तोड़ता है। अब देखिए O3 माने ओजोन
O3 माने ओजोन है, तब तो जानी गए। ओजोन गैस की खोज किसने की थी? क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्कोनविन, क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्कोनविन नामक विद्वान ने ओजोन गैस की क्या किया था, खोज किया था, ये रट लीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्कोनविन। अब देखिए वियना सम्मेलन 1985 ओजोन से संबंधित है। आगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 एकदम इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में 110% पूछा जाता है ये। हेलसिंकी परिसम्मेलन 1989 110%, अभी परीक्षा होने जा रही है ना, हूबहू नोट से हमारे प्रश्न मिलेगा आपको। देखिए अब यहां पे लंदन सम्मेलन 1989, तो माने ये ऐसे टॉपिक थे जो परीक्षा के एवरग्रीन थे, ठीक। चलिए चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट कर लें, अब हम और अच्छे से पढ़ते हैं इसको फिर से। अब यहां पे हम लोगों ने देखा, अभी रुक जाइए 2 मिनट, यहां पे देखिए समताप मंडल फिर से हम लोग देख लेते हैं। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, इसका काम क्या है, ओजोन परत इसमें है, सब तापमान इसमें बराबर रहता है, वायुयान उड़ने की आदर्श दशा होती है, ठीक है। आइए इसके बारे में और जान लेते हैं हम लोग ओजोन मंडल के बारे में इस नोट्स में। ओजोन परत सूर्य से आने वाली किस किरणों को अवशोषित करती है, तो घातक किरणों को, परावैगनिक किरणें, अल्ट्रावायलेट रे। ये सहायक अध्यापक आशीष यादव के द्वारा लिखी गई लर्निंग दुर्गेश के लिए, वो नोट्स आपके सामने हैं। अब देखिए यहां पर इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है ओजोन परत को। त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद आदि के लिए सबसे बड़ा कारण है ओजोन क्षरण परावैगनिक किरणों के प्रभाव से। ओजोन परत का पतला होना ओजोन छिद्र कहलाता है, क्लियर। सबसे पहले ओजोन छिद्र किसने कहां देखा गया, अंटार्कटिका में देखा गया, दक्षिणी ध्रुव पर। किसने देखा, जेबी डॉब्सन ने देखा। किसने देखा, जेबी डॉब्सन ने। इसलिए ओजोन परत की जो मापने की इकाई है वो आपकी डॉब्सन ही है। ओजोन परत की सर्वाधिक मोटाई कहां है, 20 से 35 किलोमीटर होती है ग्रीष्म ऋतु में, माने गर्मी में सबसे ज्यादा ओजोन मोटा होता है, यह रट लीजिएगा। ओजोन परत की न्यूनतम मोटाई कब होती है, वर्षा ऋतु में। एकदम रटने वाले प्रश्न है जो सीधे आपके परीक्षा में पूछा जाता है, जो सीधा आपके परीक्षा में पूछ लिया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, गलती मत करिएगा कि एक एक गलती आपको इस रेस से बाहर करती जाएगी। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन से संबंधित प्रमुख क्या क्या चीजें देखिए, वियना सम्मेलन 1985, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा 1987, सर्वाधिक खतरनाक अल्ट्रावायलेट सी डीबीए, ओजोन क्षरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस सीएफसी कहां से निकलती है, एसी, फ्रिज, फोम, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। ये हो गए हमारे महत्वपूर्ण ओजोन परत, ठीक। अब और आगे आते हैं, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जहां से आपकी परीक्षा में सवाल आएंगे। अब हम और वापस आते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं मध्यमंडल। क्या पढ़ते हैं, मध्यमंडल। मध्यमंडल कहां है, आइए चित्र में, डायग्राम में देखने का प्रयास करते हैं। देखिए ये है हमारा मध्यमंडल, कौन सा मंडल, मध्यमंडल। इसे हम कहते हैं मेसोस्फीयर, क्या कहते हैं, मेसो स्फीयर, इसे मेसोस्फीयर के नाम से जानते हैं। अगर इसकी हाइट की बात करें तो ये 50 से 80 किलोमीटर है, ये 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक है। इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानना, बस ये जानना है कि इस मंडल को नाक्टिलुसेंट बादल ध्रुव के ऊपर गर्मियों में दिखाई देते हैं। नाक्टिलुसेंट बादल क्या होते हैं, इनका निर्माण उल्का एवं श्रवणी प्रक्रिया द्वारा ऊपर लगी आद्रता के सहयोग से होता है। अब इसके बारे में एक बात याद रखिएगा, हमारे वायुमंडल का सबसे न्यूनतम तापमान यही मिलता है, माइनस सौ डिग्री सेल्सियस। हमारे पूरे वायुमंडल का सबसे कम तापमान यहां पर मिलता है। इस मंडल के ऊपर की सीमा को मध्य सीमा कहते हैं, मेसो पास के नाम से जानते हैं। समझ में आया सबको, जो लोग वीडियो को देख रहे जरा फटाफट कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो आ रहा है, लोगों को फिर शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग, कोई कमी है पढ़ाने में, बताइए, ऐसी सीरीज बताइए, कमी है। अब देखिए मध्यमंडल हो गया, मतलब हमारे वायुमंडल का सबसे न्यूनतम टेम्परेचर यही है, इसके बारे में थ्योरी हम लोग पढ़ लेते हैं। मध्यमंडल सर्वाधिक ठंडा है, -100 डिग्री सेल्सियस लगभग। उल्का संबंधी जो घटनाएं घटती हैं, तारों का टूटना, जब तारा देखने में आप लोगों को जल जाती है, तो तारा जो होती है इसी मंडल में आने के बाद प्रायः जल जाती है, होते हैं ना उल्का पिंड, लोग कहते हैं मनोती मान लो पूरा हो जाएगा,
तो जो मन्नत मांग ले पूरा हो जाएगा, जो बात आती है वो कहां से आती है, यहीं से आती है। जो उल्का पिंड जैसे ही यहां इस मंडल में प्रवेश करता है, प्रज्वलित होता है, जल उड़ता है, जिसे कहते हैं तारा टूट गया। जबकि तारा नहीं टूटता, अगर तारा टूट जाएगा तो सोचिए, अगर सूर्य को खोखला कर दिया जाए उसमें 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं, और सूर्य एक तारा है, और सूर्य का 13वां लाख हिस्सा टूटेगा तो पृथ्वी के बराबर टूटेगा। इसलिए वहां पे वो कॉन्सेप्ट आपको हमें गलत बताई जाती है और पढ़ाई जाती है। अब आगे चलते हैं आयन मंडल के बारे में। अब देखिए, इसके बाद जो है अगला मंडल, पहले मैं व्याख्या कर रहा हूं, फिर मैं आपको क्या करता हूं, चीजों को नोट से बताता हूं, दोनों चीजें, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं। देखिए यहाँ पर अब आयन मंडल की बात करते हैं, तो जानते हैं आयन मंडल के पहले मध्य मंडल के बाद ताप मंडल होता है, थर्मल स्फीयर होता है। लेकिन यहाँ पर याद रखना, थर्मल स्फीयर को यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो यहाँ पे याद रखिएगा इसे आयनोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनोस्फीयर कहते हैं। अगर आयनोस्फीयर की मोटाई की बात करें तो ये 80 से शुरू हो गया, यहाँ पे 640 तक। इसके बारे में आप लोग जान लीजिएगा, यहां पर इस मंडल में रेडियो तरंगे भूपृष्ठ पर वापस आ जाती हैं। इस प्रकार बेतार संचार संभव होता है। जैसे मैं फोन करता हूं, आप लोग ये क्लास पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ रहे हैं, मोबाइल में इंटरनेट से, नेटवर्क से। तो जो नेटवर्क संबंधित चीजें होती हैं ये इसी मंडल से होती हैं। और इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ इसे परतों में डिवाइड किया गया। इसकी कितनी परतों में डिवाइड किया गया, ध्यान रहे, इसे डी लेयर में, डी परत, ई परत, एफ परत, जी परत। जैसे आपने सुना होगा यह समाचार आप लखनऊ या जौनपुर के केंद्र के 50 गीगाहर्ट्ज़ के 60 वेव से सुन रहे हैं, लॉन्ग वेव से सुन रहे हैं। आपने याद करी बचपन में, जब अभी भी रेडियो सुनते हैं तो उसमें शॉर्ट वेव लॉन्ग वेव की बात करता है। जब हम कहते हैं 4G यूज कर रहे हैं, 2G यूज कर रहे हैं, 3G यूज कर रहे हैं, 5G यूज कर रहे हैं, तो जो ये जी वाला है, जनरेशन वाला कॉन्सेप्ट है, वो सारा इसी मंडल में होता है। और जो सैटेलाइट होती है, जो नेचुरल सैटेलाइट नहीं, जो हमारा आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट होती है, यहीं पे लॉन्च की जाती है। अगर हम डी की बात करें, डी परत, ये सब परत है, ये सब आयन मंडल की परतें हैं। ये आयन मंडल क्या है, परतें हैं, मतलब इसमें न्यूनतम, डी वाले में क्या होती है, न्यूनतम आवृत्ति वाली तरंगों का परावर्तन करते हैं। ई में क्या है, ये केनली हेवी साइड परत कहलाती है। इसे क्या कहते हैं, केनली हेवी साइड परत कहते हैं, माने जो उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का परावर्तन कर पृथ्वी पर भेजा जाता है। यफ वाले को कहते हैं ए लेटन परत, माने मध्यम व लघु तरंग दैर्ध्य को पृथ्वी पर परावर्तित करते हैं। जी को इसमें लघु, मध्यम, दीर्घ सभी दैर्ध्य की रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। माने इस मंडल की महत्वपूर्ण क्या विशेषता क्या है कि उत्तरी ध्रुव पर जो प्रकाश होता है, दक्षिण ध्रुव पर प्रकाश, मतलब अरोरा बोरिस और औरा बोरिस, ये दोनों घटनाएं यहीं पर घटती हैं। तो याद रहे यहां पर इसे हम क्या कहते हैं, जैसे ठीक है, यहां पर हमने और आपने देखा कि एक चीज है कि जो इस मंडल में घटना घटती है, सभी लोग ध्यान समझिएगा, यहां पे क्या चीजें होती है। जैसे आपने देखा भी टीवी चल रहा होता है, तो जब बादल गरजने लगता है तो नेटवर्क छोड़ देता है, टीवी खगड़ाने लगते है। क्यों? क्योंकि जो मौसम संबंधी घटना होती है क्षोभ मंडल में होती है, और ये रेडियो तरंगे जो होती है आयन मंडल से आती है, इसलिए बात नहीं हो पाती, फोन पे नहीं बात हो पाता, नेटवर्क चला जाता है, बादल घिर जाते हैं। तो यही इसका कारण है, यही इसका लॉजिक है। और उसके बाद जो आता है बहिर्मंडल आता है। देखिए यहीं पे तापमंडल होता है, याद रहे, माने बहिर्मंडल और आयन मंडल को मिलाकर हम तापमंडल के नाम से जानते हैं। मतलब इस मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है, और आयन मंडल बहिर्मंडल को हम तापमंडल या थर्मोस्फीयर के नाम से जानते हैं। अब आते हैं बहिर्मंडल की बात करते हैं। बहिर्मंडल को क्या कहते हैं, एक्सोस्फीयर कहते हैं, एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ये 640 के ऊपर है। अब इसके बारे में थोड़ी बात हम लोग जान लेते हैं, ज्यादा लंबा नहीं बताएंगे यहाँ पे। मतलब आयन मंडल के ऊपर का वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है, इसे हम बाह्य मंडल भी कहते हैं, बहिर्मंडल भी कहते हैं। संचार उपग्रह कक्षा में विषुवत रेखा के लगभग 36,000 किलोमीटर पर स्थापित किए। जो उपग्रह हम लोग भेजते हैं प्राय, वो यहाँ जो हमारी भूमध्य रेखा है, यहाँ से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। तो ये भी आप लोग को प्रश्न समझना चाहिए, यहाँ से भी एक प्रश्न का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। क्या यहाँ से भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है? कोई सवाल तो नहीं है ना?
क्योंकि सिलेक्शन लेना है और मेरा उद्देश्य आपको सिलेक्शन दिलाना है। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, अभी जैसे कॉन्सेप्ट खत्म होगा तुरंत हम आपको इसकी एमसीक्यू प्रश्न कराएंगे। यकीन मानिए एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, चाहे जितने सवाल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए सब लोग। आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। आयन मंडल के बारे में, दूर संचार रेडियो तरंगे सैटेलाइट आदि का संचालन होता है। वायुमंडल में हल्की गैसें हाइड्रोजन और हीलियम आदि मौजूद होती हैं। आकाश का रंग अंतरिक्ष यात्रियों को कैसा दिखता है? काला दिखता है। और पृथ्वी का रंग ऊपर से कैसा दिखता है? नीला। जून में यहाँ पे जल की अधिकता के कारण नीला दिखता है, इसलिए हम इसे नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ ओजोन परत हो गया आपका, ओजोन परत हमने बता दिया। अब हम आते हैं ग्लोबल वार्मिंग। आइए ग्लोबल वार्मिंग पढ़ लेते हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग है क्या? पृथ्वी के औसत तापमान में हो रही वृद्धि को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पृथ्वी का औसत तापमान 14 सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन सी हैं? अवरक्त किरणें, जिन्हें हम इंफ्रारेड के नाम से जानते हैं। देख रहे हैं, ये इंफ्रारेड है, ये सूर्य से आ रही किरणें हैं और ये वापस जाने फंस जा रही हैं, इंफ्रारेड कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग घटना में सर्वाधिक योगदान देने वाली गैस CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड 60% है। ठीक, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कुल 6 गैसों को चिन्हित किया गया है जो इस प्रकार है। 6 गैस कौन कौन है देखिए। पहला जलवाष्प 1, O3 ओजोन 2, N2 नाइट्रस ऑक्साइड 3, CH4 मैथेन 4, CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड 5, CFC 6। ये 6 ऐसी गैसें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए चिन्हित की गई हैं। इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। यह नोट्स आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप पर उपलब्ध है, जहां पे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस आपके पाठ्यक्रम के आधार पर हम आपको पढ़ा रहे हैं। यार अपने 10-10 साथियों को शेयर करिए, 10 साथियों को बताइए जो तैयारी कर रहे हैं, जो सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, और आगे चलते हैं। देखिए इसका सूत्र क्या है। मीना मीथेन CH4, इसे मार्स गैस कहते हैं। और ये जब पशु जुगाली करते हैं तब निकलता है, धान की खेत से निकलता है, सड़े गले पदार्थों से निकलता है, गोबर गैस प्लांट से निकलता है, ठीक है, दलदली खेतों से निकलता है। नाइट्रस ऑक्साइड, इसे लॉफिंग गैस कहते हैं, हंसने वाली गैस कहा जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सबसे ज्यादा जिम्मेदार है 60%। जलवाष्प CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन O3 ओजोन, मीना का जलवाष्प शेप O3। तो यहां पर ये आपकी जो प्रमुख ग्लोबल वार्मिंग गैसें थी, 6 के बारे में मैंने बता दिया। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए अब हम आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को और किस नामों से जाना जाता है, ये परीक्षा में पूछा गया आपके, सभी लोग ध्यान से देखें। ग्लोबल वार्मिंग की अन्य क्या नाम है? ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अभी वैश्विक तापमान, भूमंडलीय तापमान, इसके अन्य नाम है जो परीक्षा में पूछा जाता है और लोग गलती कर जाते हैं। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, तो यहां पे ये ग्लोबल वार्मिंग के अन्य नाम है जहां परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो गलती मत करिएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। और आपसे निवेदन है कि अपने 10 साथियों को वीडियो शेयर करिए। फेसबुक पे हैं, चाहे यूट्यूब पर हैं, चाहे प्ले स्टोर के ऐप पर देख रहे हैं, चाहे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए, अपने फेसबुक स्टेटस पर लगाइए, ग्रुपों में शेयर करिए। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव क्या क्या होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्लोबल वार्मिंग से जलवायु परिवर्तन होती है। क्या होती है? जलवायु परिवर्तन होती है। ध्रुवीय प्रदेशों के बर्फ पिघलना, समुद्र का जलस्तर वृद्धि होने लगता है। जब इस जलस्तर बढ़ेगा तब क्या होगा? बाढ़ आना, सूखा पड़ना और इससे बीमारियों का प्रकोप। द्वीपों का जलमग्न होगा ना, जब जलस्तर बढ़ेगा ध्रुवों की बर्फ पिघलेगी तो जो द्वीप हैं डूब जाएंगे। अब यहाँ तक हो गया। अब आते हैं ग्रीन हाउस की संकल्पना जो फ्लोरियर ने 1824 में दी थी। ठीक है, आगे कार्बन टैक्स लगाने वाला प्रथम देश न्यूजीलैंड था। विश्व में सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन वाला देश चीन 30% है। नेगेटिव कार्बन उत्सर्जित करने वाला देश भूटान है। चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग रख लें, आपकी मर्जी। अब आइए ध्यान से देखते हैं। अर्थ पावर डे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को 8:30 से रात 9:30 बजे। इंपॉर्टेंट है, बत्ती बंद कर दी जाती है, अर्थ पावर डे। विश्व का सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया, ये लीबिया में है, लगभग 58 डिग्री सेल्सियस। दुनिया का सबसे गर्म स्थान है, दुनिया का।
विश्व का सबसे ठंडा स्थान बर्खो यांस रूस में 58 डिग्री सेल्सियस, -58 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं -88 भी मिल जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं एशिया का सबसे गर्म स्थान जकोबाबाद पाकिस्तान में है। भारत का सबसे गर्म स्थान जैसलमेर राजस्थान में। भारत का सर्वाधिक तापांतर जोधपुर राजस्थान। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा चिली। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है, परीक्षा वाले हैं। विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल गोबी का मरुस्थल मंगोलिया और चीन के बॉर्डर पर है। भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर, अब तो अलग हो गया, केंद्रशासित प्रदेश के रूप में हो गया लेह लद्दाख, ये केंद्रशासित प्रदेश के रूप में है। क्लियर, किसी के मन में कोई डाउट कोई समस्या? चलिए और आगे चलते हैं। अब एक टॉपिक है अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा हम लोग पढ़ लेते हैं। अम्ल वर्षा क्या है? देखिए अम्ली वर्षा कराने वाली कौन सी गैसें हैं? एक CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ये ऐसी गैसें हैं जो अम्ल वर्षा कराने के लिए उत्तरदायी होती हैं। ठीक है, आगे सल्फर के से कैसे होता है? सागर ज्वालामुखी कार्बनिक पदार्थ का अपघटन करने से होता है। नाइट्रोजन के स्रोत क्या है? तड़ी झंझा, ज्वालामुखी उद्गार, कार्बनिक पदार्थ अपघटन। अच्छा, एक सवाल मेरा है, अगर आप लगातार क्लास पढ़ रहे हैं तो जवाब जरूर दीजिएगा कि ज्वालामुखी उद्गार होने के बाद वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा बढ़ जाती है? जवाब जरूर दीजिएगा। फार्मिक अम्ल, बायोमास, दहन द्वारा। आइए अम्ल वर्षा के प्रभाव क्या क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है अम्ल वर्षा के प्रभाव। त्वचा पर फफोड़े पड़े, देखते हैं आप लोग घर में कहते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा त्वचा पर फफोड़े पड़ना। लोग कहते हैं पहली बारिश मत नहाओ नहीं तो आपके शरीर में क्या होते हैं, फोड़े निकल जाते हैं, आम निकल जाते हैं, इसी की बात की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे फफोड़े पड़ जाना मतलब यही है आपका। फिर हम लोग और देखते हैं मथुरा रिफाइनरी की वजह से ताजमहल का पीला पड़ना, पीला पड़ना, ताजमहल का पीला पड़ना मथुरा रिफाइनरी किसके लिए? SO2 के रूप में, सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में। जलीय जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, इनका प्रभाव क्या होता है? इन सब में होता है। माने ताजमहल का पीला पड़ना क्या कारण है? ताजमहल का जो पीला पड़ना है वो आपका एक लाइन में याद रखिएगा कि ताजमहल का पीला पड़ना SO2 के रूप में। अब कृत्रिम वर्षा क्या होती है? सिल्वर आयोडाइड AgL, सिल्वर आयोडाइड, ये गर्म वर्षी बादल, शुष्क या ठोस बर्फ CO2 कहा जाता है, याद रखिएगा ठोस बर्फ CO2 कहा जाता है, और D2O का कहा जाता है D2O, भारी जल, भारी जल किसे कहा जाता है? D2O को, और केवल जल को क्या कहा जाता है? H2O कहा जाता है, ये याद रखिएगा। शुष्क बर्फ, ठोस बर्फ, ठोस जल, CO2 कहा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके परीक्षा में पूछा जाता है और हमने उन टॉपिकों को पढ़ाया है, उन टॉपिकों को आपके कराया है जहां से आपके परीक्षा में सीधे सीधे सवाल आते हैं, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब की बार एक सीट हमार, यार वीडियो को शेयर कर दीजिए, इससे ऐसी क्लास अगर यूट्यूब पर मिल जाए तो बताइएगा। ओजोन परत भी हो गया था, चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लें, वीडियो देख रहे हैं स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। अब आते हैं प्रश्न बैंक की तरफ। अब हम लोग किधर चलते हैं? अब हम लोग चलेंगे प्रश्न बैंक की तरफ। बैंक माने वो बैंक वाला नहीं जहाँ से हम लोग को पैसा लेना है, अब हम लोग आएंगे प्रश्न बैंक की। तो जल्दी जल्दी कमेंट करते चलिए और पढ़ते चलिए, क्योंकि रेस के घोड़े आप ही तो हैं, हम तो हैं नहीं। पहला, ओजोन क्या है? सौरभ सर बताइए, ओजोन है? ठीक 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 ठीक, बताइए ओजोन क्या है, जल्दी जल्दी कमेंट कर बताइए जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। अरे यार, प्राथमिक प्रदूषक, द्वितीय प्रदूषक क्या है? आइए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि जो ओजोन आपका है, ये सभी लोग फटाफट कमेंट करें, यार आप लोग तो कमेंट ही नहीं करते, जवाब ही नहीं देते, कैसे सिलेक्शन लेंगे बताइए। चलिए आइए हम यहाँ पे देखते हैं आपके साथ मिलकर। ओजोन द्वितीय प्रदूषक है,
सॉरी ओजोन क्या है आपका? द्वितीयक प्रदूषक। अब यहाँ पे प्रश्न बैंक की तरफ हम लोग पढ़ते हैं, पहले हम लोगों ने थियरी पढ़ लिया, अब हम प्रश्न बैंक की तरफ चल रहे हैं आपके साथ। सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे जो ओजोन है ये इसका फॉर्मूला O3 है, ओजोन एक गैस है, किसकी खोज किसने किया था कॉमेंट करके बताइए। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बताइए सभी लोग। ये मिथेन CH4, इसे मार्स गैस कहते हैं। ये कहाँ कहाँ से निकलता है मैंने बताया अभी, ये सड़े गले पदार्थों से, या जब मवेशी जुगाली करते हैं, जैसे भैंसिया बैठ के जब मंजन करती है खाना खाने के बाद 5 किलो, तो उसके मुंह से कौन सी गैस निकलती है? CH4 निकलती है। पुराने कुएं, सड़े गले धान के खेत से CH4 निकलती है, मैथेन। जलवाष्प ये भी है, ये भी है, ओजोन O3 है, लेकिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड ये नहीं है। ये क्या है? दमघोटू गैस। ये क्या है? दम घोटू गैस। कैसे? जब मनुष्य सांस लेता है, उसके साथ साथ जब CO साहब अंदर जाते हैं, तो जो शरीर के अंदर ऑक्सीजन की जो हीमोग्लोबिन पहुंचाने का काम करता है बॉडी में, तो हीमोग्लोबिन नष्ट कर देता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की अपेक्षा 250 गुना ज्यादा क्रियाशील है CO गैस, और ये उसको क्या करता है, धीरे धीरे खत्म करने लगता है, और बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और हमारा दम घुटने लगता है, उसकी वजह से मृत्यु हो जाती है। इसे हम दम घुटू गैस कहते हैं। ये मोटर वाहनों से प्रायः निकलता है, इसलिए यहाँ पर ये गलत है, और ये जो गलत है वही सही है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक, किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, तो जरूर पूछेगा। मैं बार बार कहूंगा वीडियो को शेयर करने के लिए, क्योंकि ऐसी क्लास है जो शायद यूट्यूब पर आपको मिले। अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? एकदम एवरग्रीन प्रश्न है, परीक्षा में आएगा तो गलती हो जाएगा। पहला प्रश्न यही है कि पूरा सबसे बड़ा जो छिद्र है वो कहाँ है? अंटार्कटिका में ही है। सभी को शेयर करिए, चाहे जिस जिले से वीडियो को देख रहे हैं। हम तो जौनपुर जनपद के हैं, निःशुल्क क्लास है, देशहित में, राष्ट्रहित में, इसके बारे में जान लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यहां पे सितंबर तथा अक्टूबर में हमने बताया था कि सितंबर तथा अक्टूबर में, ठीक, ऐप पे जाएंगे आपको सारी क्लासेज एकदम क्रम बाई क्रम मिलेंगी। अगला है ओजोन गैस का सूत्र है, बताइए। जैसे यहां ओजोन गैस को याद करना है, फिर मैंने बताया D2O क्या है, D2O क्या है कमेंट करके बताइए, D2O क्या है, यहां पर O3 होगा। ओजोन गैस की खोज किसने किया था कमेंट करके बताइए। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है कमेंट करके बताइएगा। कार्बन डाइऑक्साइड है, सही बात। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का फुल फॉर्म है, रट लीजिएगा, परीक्षा में सवाल जरूर आएगा। जलवाष्प है, इथेन नहीं है, इसलिए जो गलत है वही आपका सही है। देखिए सबके सही हो रहे हैं, मैंने जितने लोगों ने आज की क्लास हमारी पढ़ी है सारे लोगों के सवाल तेजी से सही हो रहे हैं। तो भी यार 10 लोग को शेयर करे होते कम से कम आप लोग, तो भी संख्या बेहतर हो जाती। निम्न में कौन सा पौधा घर प्रभाव पर ज्यादा असर डालता है? पौधा घर पर सबसे ज्यादा प्रभाव असर डालता है कौन सा? देखिए जो पौधा घर है इस पर सबसे ज्यादा असर कौन डालता है? ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। तो यहां पर आपका होगा जलवाष्प। पौधा घर प्रभाव, इसलिए आपने देखा होगा इसके बचने के लिए हरे कलर का पर्दा लगा रहता है, आपने देखा है जहाँ पे पौधा घर होता है हरा कलर का पौधा लगा होता है, ताकि जलवाष्प को बचाने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा, अगर कभी गए होंगे पेड़ खरीदने के लिए तो वहाँ पे आपने हरा कलर का पर्दा देखा होगा, इसीलिए। याद है नहीं याद है? चलिए याद आ जाएगा धीरे धीरे, जब सिलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे तब। देखिए हर चीज़ें यहाँ क्लास में मिल जाएंगी जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। सूर्य से आने वाले हानिकारक पर्यावरणीय किरणों से क्या हो सकता है? अभी हमने बताया कि जो अल्ट्रावायलेट रेज है, कुछ लोग कह रहे हैं गलत बता रहे, पौधा घर प्रभाव जो होता है, तो भैया आपके अगर उसको और आपको उत्तर पता हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, अगर आप ज्यादा जानकार है तो कोई बात नहीं। देखिए यहां पर हमने देखा त्वचा कैंसर, हमने देखा जब अल्ट्रावायलेट रेज ना होता को न रोक पाता अगर ओजोन, तो हमें क्या होता? त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, यही सब होता ना, ठीक। अगला,
वैज्ञानिकों ने कि निम्न टीमों के में से किसके सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता लगाया? रूसी टीम, जर्मन टीम, अमेरिकन, ब्रिटिश टीम के? किसने? फोरमैन ने। फोरमैन ने सबसे पहले छिद्र का पता लगाया था। किसने? ब्रिटिश टीम ने। मैंने जो पढ़ाया है वहीं से प्रश्न है आपका, माने पढ़िए सीरीज और हल करिए पेपर। डेली क्लास की टाइम यही है, आप लोग टाइम से लाइव आ जाए करिए वरना पछताएंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है बताइए? यह 1987 में था और इसी की वजह से 16 सितंबर को ओजोन क्षय दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, इसको ही रोकने के लिए, क्योंकि यहीं से छिद्र बढ़ रहा था। ठीक है, किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई सवाल है तो बताइए। आगे बढ़ रहा है अगले प्रश्न की तरफ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न किसके रक्षण से संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एकदम परीक्षा वाले प्रश्न है आपको। हरित गृह गैस, अम्लीय वर्षा, ओजोन परत, संकटग्रस्त प्रजाति। ध्यान दीजिएगा, ओजोन परत, माने सी वालों के जवाब पूरी तरह से सही है, राइट आंसर है। सबका कमेंट मिल रहा है, खाली पढ़िए। केवल यहां पर आज के टॉपिक में वायुमंडल, ओजोन मंडल, इनके बारे में बात होगी, बाकी के लिए संडे स्पेशल लाइव वार्ता। ओजोन परत संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? एकदम यूनिक प्रश्न है, एकदम सरल प्रश्न है। अब आप लोग को एकदम सारे प्रश्न आ रहे हैं क्योंकि आपने थियरी पहले पढ़ ली है। 16 सितंबर से कब? 16 सितंबर से। फ्रिज में कौन सी गैस भरी होती है? फटाफट कमेंट करिए, फ्रिज में कौन सी गैस भरी होती है? फ्रिज में कौन सी गैस भरी होती है? जवाब दीजिए फटाफट कमेंट करके। मेफ्रोन, मेफ्रोन के अलावा क्या भरी होती है कमेंट करके बताइएगा। मेफ्रोन होती है, विकल्प हिसाब से उत्तर बताना होगा। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है भारत के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर, यूरोप के ऊपर? बताइए जल्दी फटाफट कमेंट करके। ये आज का टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। अंटार्कटिका के ऊपर किसने पता लगाया था? ब्रिटेन के। किसने? फोरमैन ने। इसका उत्तर सही है। कारण क्या है? मैंने बताया था इसके कारण क्या है, अंटार्कटिका के ऊपर छिद्र के कारण। इसका कारण क्या पता है? कारण, इसका कारण क्या है? कारण मैंने नोट्स में बता दिया था आप लोग को। यहां पर देखिए, यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर ओजोन परत में अंटार्कटिका में जो छिद्र है, ये ओजोन छिद्र अंटार्कटिका में, इसके 5 कारण है। ये मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया था। इस यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में गलत होना ही नहीं चाहिए। अब फिर भी अगर आप गलत कर रहे हैं तो फिर मेरा पढ़ाना ही बेकार है। अगला है, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषक कौन है? एकदम आसान, एकदम हलवा प्रश्न है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं कि ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। डी वालों के जवाब सही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है क्या? वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है कॉस्मिक किरण, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, सभी विकिरणों को? कमेंट करिए, जवाब दीजिए मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। इस वीडियो को शेयर करिए जितना ज्यादा हो सके, ये परीक्षा वाले सवाल हैं सब। जी हाँ, अल्ट्रावायलेट किरणों को। सबसे खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज कौन सी है? कमेंट करके जवाब दीजिएगा जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। ओजोन क्षेत्र के लिए सबसे उत्तरदायी कौन है? ओजोन क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी कौन है बताइए जल्दी फटाफट कमेंट करके। सबसे ज्यादा उत्तरदायी कौन है? CFC। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सही सुमेलित नहीं है, बताइए। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। देखिए, ऑनलाइन क्लास से नोट्स समझने अगर कोई जानकारी चाहिए, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से मेरे द्वारा निःशुल्क लाइव चल रहा है। अपने बचे हुए समय से फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं। देखिए, इनमें कौन सुमेलित नहीं है, एकदम आसान सा प्रश्न है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस
स्रोत थर्मल पावर स्टेशन से निकलता सही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल से नहीं, यहाँ से रेफ्रिजरेटर से निकलता है, एसी से निकलता है, फ्रिज से निकलता है, फोम से निकलता है, नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत से, जी हाँ जलमग्न धान खेत से नाइट्रस ऑक्साइड भी निकलता है और यहाँ से CH4 भी निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टे से। इसलिए आपने देखा होगा कि जहाँ पर ईंट के भट्टे होते हैं उसके आसपास जो आम का पेड़ होता है उसमें जो बॉल लगने होता है वो देर से लगता है या कुछ साल के अंतराल पर लगता है, उसका यही कारण है। मतलब यहाँ पर जो गलत है वो आपका बी है और जो गलत है वही आपका सही है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। क्लियर हुआ सबका कॉन्सेप्ट? एकदम स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा क्योंकि सिलेक्शन वाले टॉपिक है। अगला, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है, उसका क्या नाम है। देखिए वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है क्या नाम है, मैंने बताया सबसे नीचे जो है वो पहले में देखा जाए नीचे से तो ये है क्षोभ मंडल, इसे परिवर्तन मंडल कहते हैं, इसको और किस नाम से जानते हैं बताइए फटाफट कमेंट करके। इसे हम ट्रोपोस्फीयर के नाम से जानते हैं, ये दूसरा है समताप मंडल, तीसरा मध्यमंडल, चौथा आयन मंडल, पांचवा बहिर्मंडल है और समताप मंडल में ही ओजोन मंडल पाया जाता है। ओजोन एक परत है, ये मैंने पढ़ाया है, और जितनी भी वर्षा कोहरा जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं घटती हैं वे सभी केवल क्षोभ मंडल में घटती हैं, मैंने पढ़ाया है आज की सीरीज में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताइए, देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब देते हैं, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पर, चाहे ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पे, जहां भी देख रहे हैं जवाब दीजिएगा। मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है, इस सिलेक्शन कभी नहीं रुकना चाहिए। देखिए रेडिंग क्या है पनीर में, जैव प्रौद्योगिकी प्लासिम्स में, गोल्डन चावल विटामिन ए में, लेकिन ओजोन परत ट्रोपोस्फीयर में नहीं है, ये स्ट्रेटोस्फीयर में है। कहाँ पर है सभी लोग लिख लीजिएगा, स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में है। और जो गलत है वही आपका सही है, क्योंकि यहाँ से पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। सोचिए ये सारा प्रश्न आप सही कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता किसी का एक आध प्रश्न गलत हुआ होगा, और गलत भी हो जाएगा तो भविष्य में आपसे गलती नहीं होगी, क्योंकि आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं और आपका उद्देश्य केवल सिलेक्शन है। आगे, ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि यह वायुमंडल को ऑक्सीजन देता है, यह सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने नहीं देता है, पृथ्वी पर तापमान संतुलित रखता है। कमेंट करके बताइए, देखते हैं इस प्रश्न का सबसे सही जवाब कौन देता है। एकदम हलवा प्रश्न है, एकदम हलवा प्रश्न है, सभी लोग बताइए। देखिए एक बार पढ़ लेंगे तो परीक्षा में सवाल सीधे सीधे मिल जाएंगे। यहां पर होगा ये अल्ट्रावायलेट किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है यही है। और सबसे खतरनाक कौन है कमेंट करके जवाब दीजिएगा, बी वालों के जवाब सही है। आगे, ओजोन बायोस्फीयर किसको बचाती है, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है अल्ट्रावायलेट किरणों को। देख रहे कितनी तेजी से प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, केवल प्रश्न की भाषा बदल रही बस, और जैसे प्रश्न की भाषा बदल रही है आप घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, सिलेक्शन लेना है और परीक्षा हाल में कोई प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। ओजोन परत कहां है अभी मैंने बताया, ये स्ट्रेटोस्फीयर में है, मतलब समताप में, ये क्षोभ मंडल है, ये मेसोस्फीयर मध्य मंडल है, ये आयन मंडल है। तो यहां से याद रखिएगा, ये सबसे पास का मंडल है, ये उसके बाद का मंडल है, ये उसके बाद है, उसके बाद बहिर्मंडल है, उसके बाद पांचवें अगर देखा जाए तो कौन सा मंडल है, बहिर्मंडल या बाह्य मंडल के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? सोचिए प्रश्न से प्रश्न आपके तैयार होते जा रहे हैं, प्रश्न से प्रश्न आपके तैयार होते जा रहे हैं। ओजोन परत कहां पर है, सेम प्रश्न अंग्रेजी में, समताप मंडल में। देखिए आजकल अंग्रेजी हिंदी दोनों लैंग्वेज पूछता है, अगर आप परीक्षा लगातार दे रहे होंगे तो आपको यह बात पता होगा। अगला, निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। एकदम हलवा प्रश्न है, सभी लोग जवाब दीजिएगा बताइए, स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। क्लियर यार, वीडियो को शेयर कर दीजिए, पैसा नहीं लगेगा, ऐसी बेहतरीन क्लास आपको नहीं मिलेगी।
ओजोन पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? ओजोन पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? 20 से 50 ना, 32 है, कहीं कहीं आपको 20 से 35 मिल जाता है। तो ये परीक्षा वाले प्रश्न है, ये याद रखिएगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी। ठीक है, 20 से 50 जो है वो समताप मंडल है। अगला, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा विकिरण अवशोषित किया जाता है औरक, दृश्य, परावैगनी, सूक्ष्म। परावैगनी, अल्ट्रावायलेट रेज। कितनी तेजी सही हो रहे हैं आपके उत्तर, केवल अपने 10 साथियों को शेयर करिए अगर आज की क्लास से अगर आप संतुष्ट हो जाए तब। पहले थियरी फिर MCQ। सूर्य के प्रकाश से परावैगनी विकिरण अभिक्रिया कैसे पैदा करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, क्लोराइड। ओजोन। कौन? ओजोन। मतलब यहां पर आप लोगों ने एकदम पूरी तरह से सही जवाब दिया है। अब चलते हैं और आगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। यदि पृथ्वी से वायुमंडल हटा दिया जाए तो क्या होगा? मैंने आज की सीरीज में पढ़ाया है और मैं उम्मीद करता हूं जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं किसी का भी गलत नहीं होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, जवाब दीजिएगा कि अब की बार एक सीट हमार। अगर पृथ्वी से वायुमंडल हटा दिया जाए तो क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिएगा। और यार अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। आज जितने लोगों ने वीडियो को शेयर किया उनको दिल से थैंक यू। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं डेली क्लास ऐसे लेकर आऊंगा, एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसकी MCQ कराऊंगा। देखिए, यदि पृथ्वी से वायुमंडल हटा दिया जाए तो दिन बड़ा हो जाएगा, जी नहीं। रात बड़ी जाएगी, जी नहीं। दोनों अपरिवर्तित रहेगा। कैसे? देखिए, क्योंकि पृथ्वी से अगर वायुमंडल हटा दिया जाए तो दिन रात से कोई प्रभाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो दिन रात होता है वो उत्तरायण दक्षिणायण की वजह से होता है, पृथ्वी का जो 23.5 डिग्री जो झुकाव है इसकी वजह से होता है। ठीक है, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। दक्षिणी गोलार्ध में जब होता है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटी रात बड़ी, और दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा रात छोटी होती है। तो यहाँ पर इसलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दोनों परिवर्तित रहेंगे। लेकिन अगर पृथ्वी से वायुमंडल हटा दिया जाए तो पता है क्या होगा? हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे, मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँच पाएगी। अगर कोई पटाखा चंद्रमा पर फोड़ा जाए तो उसकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँचेगी, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, और जहाँ पर वायुमंडल नहीं है हम एक दूसरे की बातें नहीं सुन सकते। मैं पढ़ा रहा हूँ और आप घर बैठ के पढ़ रहे हैं, इलनी भी दुर्गे से जौनपुर जनपद से रहकर आप पढ़ रहे प्रदेश के प्रत्येक जिलों से। इसका मतलब है वायुमंडल है, और वायुमंडल से ही आवाज़ एक दूसरे तक जाती है। ठीक है, और आप लोग किस जिले से जरा कमेंट करके बताइए, जितने लोग लाइव देख रहे हैं कम से कम ये तो पता चले कितने लोग हैं अलग अलग जिलों से। अगला सवाल, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल मात्रा में है? सोचिए, ऐसा प्रश्न आपको मिल रहा है जो केवल सिलेक्शन दिलाएगा, जिनको आता है वो भी गलती कर जाएंगे, जिनको आता है प्रायः वो भी गलती कर जाएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, ऐसी सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके पाठ्यक्रम आपके सिलेबस में है। जी हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, आप अलग अलग जिलों से अपने जिले में वीडियो को शेयर करिएगा, हम भी आपके जिले में पहुंच जाएं। ये जौनपुर जनपद का सिराज हिंद आप सभी के यहाँ द्वार तक आएगा। चलिए ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ये 78.08% है, जो सबसे ज़्यादा है। ऑक्सीजन 20.95% है, कहीं कहीं 21% लगभग। आर्गन ये 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो ये 0.03% है। तो ये हमारी गैसें होंगे। तो सबसे ज्यादा कौन सी है जरा कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए विपुल माने सर्वाधिक, तो वह हो जाएगा नाइट्रोजन। माने ए वालों के जवाब पूरी तरह से सही है। किन दो गैसों को मिलाकर हमारे वायुमंडल का अकेले 99% गैस होता है, तो इन दोनों को अगर हम मिला दें तो हमारे वायुमंडल का अकेले 99% गैस होता है। इसके बाद नियान, हीलियम, मिथेन, क्रिप्टान, जिनान, ओजोन, हाइड्रोजन गैसेज हैं। तो ये मैंने आपको एक क्रम से बता दिया, क्योंकि सिलेक्शन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार, ये क्लास लगभग 1 घंटे से चल रही है,
हम लोगों ने पहले सीरीज पढ़ा है, फिर एमसीक्यू। जो बाद में जुड़े हैं वीडियो को प्रारंभ से देख लेंगे, नोट्स भी मिल जाएगा। वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे सुरक्षा देती है? अल्ट्रावायलेट रेज से। जी हाँ, आप लोग अलग अलग जनपदों से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप अपने जनपद में वीडियो शेयर करिएगा, मुझे भी खुशी मिलेगी। पृथ्वी पर वायुमंडल दाब होने का कारण क्या है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी की असमान ऊष्मा। आपको पता है अगर पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण ना होता तो ये वायुमंडल जो है ना, ये जो वायुमंडल है ना, ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से ही रुका हुआ है। अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति ना होता तो पृथ्वी पर वायुमंडल भी ना होता, याद रखिएगा। ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में आते हैं और हमारा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है, चाहे जैसे भी करना है। एक रोटी कम खाएंगे लेकिन सिलेक्शन लेकर रहेंगे। देखिए, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि इसी की वजह से वायुमंडल दाब वायु भार के कारण होता है और यह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही उत्पन्न होता है। चलिए, अच्छा लगा कि आप लोग अलग अलग जनपदों से हैं। पृथ्वी की परिक्रमण के कारण, पृथ्वी घूर्णन के कारण मौसम परिवर्तन और दिन छोटा बड़ा होता है। असमान ऊष्मा के लिए इसके आगे बात करेंगे क्या कारण है। अगला, यहाँ पे एक सही अनुक्रम लगाना है और मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं बताऊंगा। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस प्रश्न का सही उत्तर बताएं, क्योंकि मैंने कई बार पढ़ाया है, आज की सीरीज में ही पढ़ाया है और मैं चाहूंगा आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर दें। देखिए, मैं यहाँ पे चाहे तो लिखता चलूंगा, सभी लोग ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल, आयनोस्फीयर आयन मंडल, ऑक्सोस्फीयर बीच में यहीं पर एक होना चाहिए था मध्य मंडल, मेसोस्फीयर यहाँ पे क्या होना चाहिए था आपका मेसोस्फीयर, तो आपके पांचों मंडल आ जाते। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प है सी है। मैंने पढ़ाया है, शुरुआत में नोट्स में भी था, अगर आपने नोट्स पढ़ा होगा तो मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वही प्रश्न अंग्रेजी में दिया है। सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, मान इस प्रश्न का भी उत्तर क्या होगा सी। एकदम क्रम से मैंने पढ़ाया, क्लियर, एकदम टॉपिक टू टॉपिक मैंने पढ़ाया, इससे परीक्षा में गलती होगा ही नहीं आपका। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल, पहली मंडल, दूसरा समताप, तीसरा आयन, चौथा ये, उसके बाद पांचवा बहिर्मंडल। पांचवा क्या है? बहिर्मंडल। एकदम क्रम से याद करिएगा, अब गलती तो नहीं होगी ना, क्रम मैंने सजा दिया, एकदम क्रम से सजा दिया मैंने, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। ये नोट्स मैंने बताया है पहले। देखिए, क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ जाती है, ये मैंने पढ़ाया है, क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ जाती है। अगर आप लोग लगातार क्लास पढ़ रहे होंगे तो यहां पर याद होगा कि क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ती है। देखिए, वायुमंडल में निचले भाग को क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल कहते हैं, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान लगातार कम होता रहता है और ऋतु परिवर्तन, मौसम संबंधित सभी घटनाएं क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर में होती हैं। गर्मी में क्षोभ मंडल में ऊंचाई पर बढ़ने के साथ साथ इसकी मोटाई बढ़ने लगती है। रट लीजिएगा, एकदम सही है, शुरुआत में ही मैंने पढ़ाया था। और पतली कब होती है कमेंट करके बताइए, मोटाई कब कम हो जाती है? ठीक, सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाओं से किस परत पर उत्पन्न होती हैं? ट्रोपोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। एकदम है, ट्रोपोस्फीयर है भैया। मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं? सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। इसे हम अन्य नाम से जानते हैं। देखिए, इसके क्या क्या नाम है, इसके नाम क्या क्या है। एक तो आप लोग क्षोभ मंडल जानते हैं, इसे परिवर्तन मंडल कहते हैं, क्योंकि अचानक देखते हैं धूप रहती है, तेजी से बारिश होने लगती है, इसलिए इसे परिवर्तन मंडल कहते हैं। इसे हम संवहन मंडल भी कहते हैं। हम इसे तीन नामों से जानते हैं, रट लीजिएगा। यहां से अगर परीक्षा में सवाल आए तो किसी भी साथी का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। बादल किस मंडल में? आयन मंडल, क्षोभ मंडल किस मंडल में है? मैंने आपसे पहले ही बताया था कि बादल किस मंडल में है, ध्यान से देखिएगा। बादल किस मंडल में अवतरित होता है? तो बादल उदल सब क्षोभ मंडल में, अभी मैंने बताया, क्योंकि ऊंचाई पर बढ़ने के साथ साथ तापमान यहां पर कम होता है। अगर हम
165 मीटर अगर हम ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। अगर हम 1000 मीटर या 1 किलोमीटर नीचे जाते हैं तो हमें 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। एकदम रट लीजिएगा, इस नाते से परिवर्तन मंडल कहते हैं, श्वहन मंडल कहते हैं। अचानक धूप है और बारिश होने लगती है। लोग कहते हैं गंगा में कि सियार और सियरनी का बिया होता था, धूप में ही बारिश होने लगती है। तो अचानक मौसम बदल जाता है, छांव आ जाती है, बादल घिर जाते हैं, ठीक, कोहरा आ जाता है कभी कभी, ठीक। ये सभी घटना क्षोभ मंडल में घटती है। अगला है वायुमंडल की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं, जो सबसे बाहरी परत है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोस्फीयर कहते हैं। ये 640 किलोमीटर के बाद ऊपर चले जाते रहिए। इस मंडल बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं मिली है, इसके बाद ऑक्सीजन के भी विरल अवस्था में धीरे धीरे मिलने लगती हैं। आगे है वातावरण परत जो रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर परिवर्तित करती है, कौन सा मंडल है बताइए, मैंने सीरीज में पढ़ाया है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जो बाद में जुड़े हैं वीडियो को शुरुआत से जरूर देखेंगे, यकीन मानिए इस क्लास के फैन हो जाएंगे और डेली क्लास के टाइम का इंतजार करेंगे, कब आपका घड़ी की इशारा करे आज टाइम का और आप फिर से इस सीरीज को पढ़ें। पहले थियरी फिर प्रश्नों की बैंक। रेडियो तरंगों के लिए आयन मंडल, मैंने बताया ना इसे चार भागों में डिवाइड किया गया है, कौन कौन, डी ई एफ जी, चार भागों में डिवाइड किया गया। हवाई जहाज कहां उड़ते हैं? ये रटा रटाया प्रश्न है, एनसीईआरटी का प्रश्न है। संताप मंडल, बी वालों के जवाब राइट है। निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहते हैं, किसे हम प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहते हैं, बताइए जल्दी फटाफट कमेंट करके, जितने वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए आप लोग ऑनलाइन क्लास नोट्स के संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए तो घर बैठे सभी नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। ये ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर हो, जहां पर एज ए गेस्ट के रूप में मैं आपके लिए प्रतिदिन क्लास ले पाता हूँ। ये सभी क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से मेरे द्वारा या अन्य लोगों द्वारा संचालित की जाती हैं। मैं अपने बचे हुए समय से, जो मेरे पास समय बच जाता है, उसके बीच में आपके लिए लाइव आता हूँ कि देशित राष्ट्रित छात्र हित में। जितने लोग नए हैं अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, क्लास की पीडीएफ के साथ साथ सभी क्लास की लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगी, एक बात। दूसरी बात, अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से ई-लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों ने एकदम सही बताया ज्वालामुखी को, इसे जो ओजोन परत होती है, ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर हम यहां पे इस प्रश्न का उत्तर देखें, ये ओजोन गैस जो है, यहां पे ओजोन परत है, ओजोन परत, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहते हैं, इसे पृथ्वी की छतरी भी कहते हैं। अम्ब्रेला ऑफ द अर्थ कहते हैं, क्या कहते हैं, अम्ब्रेला ऑफ द अर्थ कहते हैं। और जिस समय, ध्यान रहे, दोनों ओजोन परत को पृथ्वी की छतरी कहा जाता है और प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है, यह भी सही है। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो ज्यादा ओजोन गैस दिया है, यहां पे ओजोन परत होना चाहिए था, इसलिए हम इस प्रश्न को बी को विकल्प लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात, एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, ज्वालामुखी उद्गार होने के बाद वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा बढ़ जाती है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और यह वीडियो फेसबुक पेज ई-लर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब चैनल ई-लर्निंग विद, मैं एक बार नोट्स को रिवीजन करने जा रहा हूं, भागिएगा मत, रुके रहिएगा, सभी क्लास आपको ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर मिल रही है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जुड़े रहिएगा, निःशुल्क क्लास का लाभ लीजिएगा। अगर फेसबुक यूज करते हैं ई-लर्निंग विद दुर्गेश को फॉलो करिएगा, इंस्टाग्राम ई-लर्निंग विद दुर्गेश, लेकिन मेरी भी आईडी इंस्टाग्राम पे है दुर्गेश जायसवाल सर के नाम से, और फेसबुक पे दुर्गेश अशोक जायसवाल के नाम से है, वहाँ भी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। डेली क्लास किसी टाइम चलती है, और एक तरह से पहले सीरीज मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन को बाद मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, जो नोट्स है ई-लर्निंग विद दुर्गेश की, वो एक बार आप लोग तैयार कर लीजिएगा और शायद आपके काम आ जाए।
पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, सीरीज पढ़ी, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, आइए देखिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले नोट्स पढ़ लिए, यहाँ पे सभी मंडल के बारे में पढ़ लिया, जो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा सभी लोग, यहाँ पे देखिए ना सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट, मतलब इसको पढ़ा परीक्षा में आपका जलवा ही जलवा रहेगा। यहाँ पे देख रहे हैं ये पूरा डायग्राम, ये आशीष सर की देन है, सहायक अध्यापक हैं वो, देख रहे हैं यहाँ पे पृथ्वी की सुरक्षा कवच, देखिए मैंने अभी प्रश्न पढ़ाया, पृथ्वी की सुरक्षा कवच ओजोन परत को कहा जाता है, तो ओजोन परत भी वहाँ पे सही था, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या चीज़ आपके लिए है, जीबी डॉप्सन, डॉप्सन कारण है आप, और देखिए ओजोन परत सर्वाधिक मोटाई कब होती है, ग्रीष्म ऋतु में, और सबसे न्यूनतम मोटाई वर्षा ऋतु में। देखिए ऊपर एक प्रश्न था और यहाँ पे उसकी व्याख्या भी थी, अब इसकी स्क्रीनशॉट देखिए, मैंट्रियल प्रोटोकॉल, जो मैंट्रियल प्रोटोकॉल था इससे यहाँ पे प्रश्न था, 16 सितंबर से प्रश्न था, ठीक है, वियना 1985 है, देखिए यहाँ पे सॉरी सीएफसी देखिए प्रश्न था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलता है ये भी प्रश्न था, ग्लोबल वार्मिंग से प्रश्न था, इंफ्रारेड क्या है देखिए यहाँ से भी प्रश्न था, ठीक है, इसमें छह गैसों के बारे में था, छह गैसों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया, ग्लोबल वार्मिंग का नाम है, इसका प्रभाव क्या होता है, कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, फिर हम लोगों ने पढ़ा ओजोन परत, ओजोन परत से जुड़े हर सवाल को पढ़ लिया यहाँ पे, उसके बाद हम लोगों ने ओजोन से जुड़े एक डायग्राम क्रिएट कर लिया, और फिर हम लोगों ने उसके ऊपर यहाँ से अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को पढ़ लिया जो परीक्षा में ज्यादा और बार बार पूछे जाते हैं, ठीक। दूसरी बात यहाँ पे अम्ल वर्षा के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, ये अम्ल वर्षा देखिए अम्ल वर्षा सबसे ज्यादा कहाँ होती है, नॉर्वे में होती है, नॉर्वे में सबसे ज्यादा होती है, अम्ल वर्षा केंद्र कहां पर है, ओस्लो में है, अम्ल वर्षा केंद्र कहां पर है, ओस्लो में है, अम्ल वर्षा केंद्र, केंद्र कहां पर है, ओस्लो में है, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखिएगा आप लोग, वीडियो को अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो वीडियो को पहला काम शेयर कर दीजिएगा, और टेलीग्राम पर सभी लोग जुड़िएगा, अभी तक नहीं जुड़े लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में होगा, और अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप इंस्टॉल करें, वहाँ पर जाइए आपको सब कुछ मिलता रहेगा, क्लास भी सब मिलती रहेंगी और स्पेशल क्लास भी आपके डेली मिलती है, तो आप अपने 10 साथी को शेयर करिएगा, फिर मिलते हैं इसी टाइम इसी क्लास के साथ, इसके बाद कुछ देर के बाद आपकी अगली क्लास है, ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत, थैंक यू। जितने लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर किया है उनका दिल से थैंक यू, और भगवान करे आप अपने माँ बाप का नाम रोशन जरूर करेंगे और इसी तरह अपना बेहतर देते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू, थैंक यू, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार, शेयर कर दीजिएगा जरूर से, व्हाट्सएप की स्टेटस से लेकर फेसबुक पर, जहां भी अगर आपकी अंतरात्मा कहे कि वास्तव में ये क्लास ऐसी है जहां से परीक्षा में सारे प्रश्न आपने सही किए।